चुनावी प्रचार बिल्कुल सही चल रही है। पिछले बार भी जावेद साहब पर, जो कि नहायती नेक दिल इंसान हैं और इनके सराफत के चर्चे पूरे किशनगंज में हैं, और पिछले बार भी किशनगंज की जनता ने राहुल गांधी पे, सोनिया गांधी पे भरोसा जताते हुए हाथ छाप को अच्छे बहुमत से जिताया था। अब मुझे यकीन है कि इस बार भी किशनगंज में हाथ छाप का ही परचम लहराया जाएगा। यहाँ के जो आवाम हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो महिला हैं, जो नौजवान हैं, उनके ताकत पर कांग्रेस पार्टी यहाँ जीत दर्ज करेगी। MIM का क्या यहाँ पे सीन? देखिए, MIM जो पार्टी है वो कहने में कहीं गुरेज और कहीं दो राय नहीं है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा कट्टरवाद का राजनीति करता है जिसमें दो आपस के सगे भाइयों को, हिंदू मुसलमान को लड़वा कर राजनीति करना चाहती है, उसी के छोटे भाई MIM है, जो कहीं ना कहीं जो आपसी प्यार मोहब्बत और इस किशनगंज के गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने में, आपसी सौहार्द को बिगाड़ने में उनका जो अहम रोल चल रहा है वो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, और MIM को पिछले बार भी 3 नंबर पर भेजी थी, इस बार भी 3 नंबर पर रहेगी। राहुल गांधी की क्या संदेश आप लोग लोगों तक पहुंचा रहे हैं? राहुल गांधी का संदेश साफ है, गरीबों की हक की बात, नौजवानों की रोज़गार की बात, किसान की हक की बात, जो रोज़गार कैसे इस देश में आएगा उस पे, और कैसे इस देश हमेशा से विकसित रहा है जिसमें कांग्रेस पार्टी का 70 साल का योगदान है इस देश में, तो अभी भी कांग्रेस पार्टी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना सारा, जो अभी उनका 5 न्याय आया है वो आप देख सकते हैं, उस हिसाब से राहुल गांधी ने साफ आह्वान किया है यहाँ के नौजवानों को, गरीब को, किसान को, मजदूर को, कि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करते हुए इस बार सरकार बनाइए और न्याय और हक की बात होगी। इसीलिए न्याय यात्रा भी हुआ था जो किशनगंज से राहुल जी गुजरे थे, आपको याद होगा, बीते डेढ़ 2 महीना पहले। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, इंशाल्लाह ऊपर वाले पे यकीन है और जनता आवाम पे यकीन है कि इंडिया गठबंधन को बनना इसलिए ज़रूरी है कि हिंदुस्तान के आयन को बचाना है, हिंदुस्तान के जो संविधान खतरे में है उसको बचाना है, तो यहाँ के नौजवान, यहाँ के लोग इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे और नया हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तान का सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, उसको बचाने के लिए आगे बढ़कर इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। जावेद साहब, मैंने कहा कि नेक दिल इंसान है, तारीफ, ये तो आपको समझने की ज़रूरत है कि जो व्यक्ति काम करने वाला है उसको बताने की जरूरत नहीं है, आवाम उनको चुन कर खुद पे खुद फिर से सदन में दोबारा इनको डिस्पोज़ करके किशनगंज की जनता भेजेगी, ये मुझे यकीन है इंशाल्लाह। बीजेपी का नेता कह रहा है कि अब की बार 400 पार, क्या 400 पार है, तो आप समझ लो कि पूरा भैया छत्तीसगढ़ इन्हीं को दे दो सीट, मध्य प्रदेश इनको दे दो, आप बिहार में 39 सीट था इन्हीं को दे दो, आप वहाँ से चलिए राजस्थान भी, मध्य प्रदेश भी, और जितनी आप ये है, आप खुद आप एक मीडिया से आप जर्नलिस्ट हैं, आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर लीजिए कि पूरे देश के सारा सीट भी इनको दे दीजिएगा तो भी इनको 400 पार इसलिए नहीं पहुंचेगा कि दूसरी पार्टी कहाँ है, TMC कहाँ जाएगी जिसको पहले से 25 सीट है, 543 सीट है ना इस भारत देश में, 543 सीट है, उस 543 में आप जोड़ना स्टार्ट कर लीजिए कि कांग्रेस को पूरे देश में कितना सीट आएगा, TMC को कितना सीट आएगा, और भी अन्य दल जो मुख्य दल हैं इस भारत देश में उसको कितना सीट आएगा, और ये कहाँ 450 रहेंगे, पूरे सीट भी दे दीजिएगा ना तो भी इनका 303 तो बहुत बड़े सुनामी में ये पहुँचे थे, पुलवामा अटैक करवा कर ये आए थे वापस, तो इस बार न पुलवामा अटैक की बात है, न इस बार कोई मुद्दा है इनके पास, मुद्दा वहीन इनकी राजनीति है, सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की मुद्दा है, उससे ये 400 और 300 पार करने वाले नहीं है, जनता इनको सबक सिखाएगी, आप खुद पे खुद देख लीजिएगा कि 10 साल जिस तरह से झूठे वादे, झूठे परपंच इन्होंने पैदा करके हिंदुस्तान के सत्ता में आए थे वो इस बार नहीं चलने वाला है, लोगों का आँख खुल गया है, नौजवान समझ गए हैं ये ठग पार्टी है, जुमलाबाज पार्टी है, इनका सफाया तय है, कहीं से कहीं 400 वाली बात नहीं है।